दिल्ली सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की 500 वर्ग मीटर से बड़ी 645 इमारतों पर ग्रिड कंडक्टर रूफटॉप सोलर पावर पॉइंट लगाए जाएंगे। इन सभी प्लॉटों की कुल क्षमता 50 मेगावाट बिजली से उत्पादन की होगी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री अतिशी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पॉइंट लगाने की यह पहल दिल्ली सरकार की उस सोलर पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। अतिशी ने कहा है कि परियोजना के जरिए हमारा विजन राजधानी में सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। 450 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। रोज एनडीएमसी ने सोलर सिस्टम, हाइड्रो पॉइंट और अन्य प्लॉटों में प्रतिदिन 545 मेगावाट बिजली की व्यवस्था कर रखी है, जबकि उनके क्षेत्रों में गर्मियों और मौसम में प्रतिदिन अधिकतम मांग 450 मेगावाट है और सर्दियों में अधिकतम खपत 245 मेगावाट रहती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली जिन 645 इमारतों पर रूफटॉप सोलर पॉइंट लगाए जाएंगे, उनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और हेल्थ सेंटर, डीटीसी डिपो, डीटीएल के बस स्टेशन और अन्य इमारतें शामिल हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी साझा करते हुए ऊर्जा मंत्री अतिशी ने कहा कि 29 जनवरी 2024 को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित दिल्ली सोलर पॉलिसी को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील पॉलिसी में इसे एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पॉलिसी और ऊर्जा के रूप में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पॉइंट लगाने की परियोजना को एक शानदार पहल करार करते हुए अतिशी ने कहा कि यह सरकार इमारतों को अपनी बिजली की जरूरतों को खुद पूरा करने में मददगार साबित होगी। इसके पैसों की बचत होगी, साथ ही पर्यावरण भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल के साथ हम अपनी सरकारी इमारतों को और अधिक पावर एफिशिएंट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि एनडीएमसी में 38 श्रेणियों में लगभग 900 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। इनमें से 12 श्रेणियों में 581 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आरआर से संशोधन किया गया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शेष 26 श्रेणियों के 365 कर्मचारियों के लिए आरआर में भी अगली बैठक में संशोधन किया जाए। 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का प्रस्ताव पास एनडीएमसी ने बिजली के मामले में केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के संयंत्रों पर निर्भर नहीं। अतिशी ने सोलर पॉलिसी के महत्व को समझाते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली की खपत में बढ़ोतरी होने के बावजूद हमारा लक्ष्य 2027 तक शहर की 25% बिजली और ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से प्रोड्यूस करना है। हमारा इस प्रयास को लक्ष्य और ऊर्जा उत्पादन के मामले में दिल्ली को देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अव्वल बनाए रखेगा। सोलर पॉलिसी इस मामले में गेम चेंजर साबित होगी।